हेलो गाइस, आज की वीडियो बहुत 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 ही ज्यादा शानदार होने वाली है, क्योंकि गाइस जो आज ओनर ने इनके प्राइस की डिमांड की है वो सच में बहुत ही कम करी है। आप भी इनके प्राइस सुनकर शॉक हो जाओगे कि इतनी अच्छी क्वालिटी के इनके मदर फादर एंड इतने कम प्राइस में जो इन्हें पप्पी रखे हैं। तो गाइस आपको इसकी एज, प्राइस, लोकेशन की फुल डिटेल मिल जाएगी वीडियो के एंड तक। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप कर करके मत देखना, क्योंकि गाइस मैं नहीं चाहता आपको इतने कम प्राइस में वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी के पप्पी आपसे मिस हो। क्योंकि गाइस जो इनके फादर की क्वालिटी वो तो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है, आप इनके फादर की क्वालिटी तो जरूर देखना एंड मैं आपको इनके मदर एंड फादर की मेटिंग वीडियो भी दिखाऊंगा। तो चलिए गाइस, जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हर्ष आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल डॉग वर्ल्ड पे। गाइस वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर शो होगा माय व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर करके। गाइस वो नंबर मेरा है, इट मींस आपके पास कोई डॉग या पपी सेलिंग के लिए है या आप उसकी फ्री अडॉप्टेशन कराना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे बात करके उसकी एज, प्राइस, लोकेशन की फुल डिटेल लेके वीडियो फोटोग्राफ देके आप हमारे चैनल पे एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं। तो चलिए गाइस अब आते हैं फाइनली वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो अगर गाइस आप एक ऐसी डॉग ब्रीड परचेज करने के बारे में सोच रहे हो कि वो आपके लिए बेस्ट हो, फैमिली मेंबर के लिए भी एंड गार्डिंग के पर्पज से भी बेस्ट हो, तो गाइस वन ऑफ द बेस्ट डॉग ब्रीड है जर्मन शेफर्ड। बट गाइस जर्मन शेफर्ड का प्राइस हाई रहने की वजह से हर कोई जर्मन शेफर्ड को अफोर्ड नहीं कर पाता। बट गाइस आज की वीडियो में आपको इतना कम प्राइस सुन के आप जर्मन शेफर्ड पपी को ले सकते हैं। यस गाइस, आपको इसके अंदर मेल का ही नहीं, फीमेल का ही नहीं, मेल का भी आपको इसके अंदर प्राइस कम मिलने वाला है। तो गाइस वीडियो को बिना स्किप करे जरूर देखना, क्योंकि गाइस इनके प्राइस बहुत ही कम रखे हैं उन्होंने बहुत ही ज्यादा। तो गाइज आप इनकी मदर की क्वालिटी तो देख ही सकते हैं, पपी अभी बहुत ही छोटे हैं, ओनर इनकी प्री बुकिंग कराना चाह रहे हैं। आप इनकी क्वालिटी देख सकते हैं पपी की। गाइज पपी की जो एज हो चुकी है वो हो चुकी है 6 डेज। गाइज ये 6 डेज के पपी हैं, ओनर इनकी बुकिंग कर रहे हैं, तो आप इनको जल्दी से जल्दी परचेज कीजिए, क्योंकि गाइज ओनर ने जो इनके प्राइस रखे कम रखे हैं। तो गाइज अगर आप इस डॉग ब्रीड को परचेज करते हैं तो आपको एक ही ध्यान रखना पड़ेगा गाइज, आप इनकी रनिंग एंड वॉक जरूर कराएं। गाइज आप इनको सुबह शाम वॉक तो जरूर कराएं, बट आप दिन में एक बार ही रनिंग जरूर कराएं, क्योंकि गाइज इनकी एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि गाइज ये बहुत ही एनर्जेटिक डॉग ब्रीड होती है। बाकी गाइज आपको इसके अंदर और कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि गाइज आप बहुत ही अच्छी परफेक्ट होगा। अगर आपके घर में छोटे छोटे बेबी हैं, आप सोच रहे कि कौन सी डॉग ब्रीड परचेज की जाए, तो गाइज वन ऑफ द बेस्ट डॉग ब्रीड है, क्योंकि गाइज ये अपनी फैमिली मेंबर के लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल होते हैं, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं एंड गार्डिंग पर्पज से भी बहुत ही ज्यादा काम आते हैं, क्योंकि गाइज बहुत ही अच्छे गार्ड डॉग होते हैं जर्मन शेफर्ड और इंटेलिजेंट भी। आप इनको कोई भी ट्रेनिंग या कमांड देंगे तो बहुत ही जल्दी उनको सुनते हैं। तो गाइज अगर आप इस डॉग ब्रीड को परचेस करते हैं तो आप ध्यान रखिए इनके लिए कम से अच्छा खासा हो, क्योंकि गाइज ये छोटी जगह में नहीं रह पाएगी, क्योंकि गाइज ये लार्ज साइज की डॉग ब्रीड है। आप और कोई सी डॉग ब्रीड रख सकते हैं, बट गाइज ये बहुत ही एनर्जेटिक होती है, इसलिए आपके ये छोटे स्मॉल स्पेस में नहीं रह पाएगी। आपके पास एक लार्ज हाउस या फार्म हाउस होना चाहिए जो कि अपनी पावर को रिलीज कर सके, गार्डिंग पर्पज से काम आ सके। तो गाइज जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे ऐसे ही कम कम प्राइस में डॉग की वीडियो मिलती रहेगी एंड फ्री अडॉप्टेशन के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ऑल पे कीजिए। तो चलिए गाइस अब आते हैं फाइनली इनकी एज के ऊपर। तो गाइस आपको मैंने बताई दी इन पपी की एज हो चुकी है 6 डेज। गाइस अभी 6 डेज ओल्ड के पपी हो चुके हैं एंड जो इनकी लोकेशन है वो है यूपी मेरठ। गाइस आपको यूपी मेरठ में अवेलेबल हो जाएंगे, बट गाइस इसमें आपको डिलीवरी नहीं मिल पाएगी, तो आपको ओनर के होम ही जाके इनको परचेस विजिट करके ही परचेस करना पड़ेगा। गाइज आप ओनर के होम से परचेस करते हो तो गाइज आपको दो फायदे होते हैं, एक तो आप इनकी क्वालिटी वगैरह चेक कर लेते हैं पपी की, इनके मदर फादर की, एंड इससे आपको फ्रॉड के कोई भी चांसेस नहीं होते। तो गाइज परफेक्ट मेथड है आपको ये परचेस करने का, क्योंकि गाइज जितने भी फ्रॉड और स्कैम होते हैं वो डिलीवरी में ही होते हैं। आपको स्कैम से बचना है, फ्रॉड से बचना है, तो आप डिलीवरी ना लें। आपको इनके पप्पी की क्वालिटी भी पता लग जाएगी, आप इनकी डाइट वगैरह भी पूछ सकते हैं इनकी मदर फादर की, कि आप अगर आप एक फर्स्ट टाइम ओनर तो आप इनको क्या दें, तो आप ओनर से इनसे पूछ सकते हैं कि इनको क्या डाइट देनी चाहिए। बाकी क्वालिटी तो गाइज आपके सामने, जब एक 35 या 40 डेज के पप्पी होने वाले तो क्वालिटी बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि गाइज जो इनके मदर एंड फादर की क्वालिटी वो भी बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है। तो गाइज आपको इनके मदर एंड फादर की क्वालिटी से ये अंदाजा लग जाता है कि आपके पप्पी कैसे होने वाले आगे जाके। तो गाइज ये देख सकते हैं इनके फादर की क्वालिटी, गाइज फादर की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा शानदार है। गाइज इतने कम प्राइस में आपको इतनी अच्छी क्वालिटी मिले तो गाइज बहुत ही अच्छा मौका आपको जर्मन शेफर्ड ब्रीड को परचेस करने का। तो गाइज फादर मदर की क्वालिटी आपने देख ली है एंड मेटिंग वीडियो भी। तो चले गाइज अब आते हैं फाइनली इसके प्राइस के ऊपर। तो गाइज जो ओनर ने इसके प्राइस की डिमांड की है वो की है 6,000 रुपीज फीमेल की। यस गाइज 6,000 रुपए ओनली फीमेल की, एंड जो मेल की डिमांड की है वो की है 7,000 रुपए ओनली। यस गाइज 7,000 रुपीज ओनली। तो गाइज प्राइस बहुत ही जेन्युइन, आपने सुना ही होगा जो मेल के प्राइस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं फीमेल से, बट ओनर ने इनके 1,000 रुपीज ही एक्स्ट्रा रखे हैं। बाकी गाइज क्वालिटी के हिसाब से, इनकी मदर फादर क्वालिटी के हिसाब से बहुत ही जेन्युइन प्राइस है। आपके बच्चे बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाले, क्योंकि गाइज आपने इनके मदर फादर की क्वालिटी देख ली है। बाकी जब आप
परचेज करने जाओगे जब भी देख लोगे। तो चले गाइस, अब मिलते किसी और वीडियो में किसी और डॉग के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही कम प्राइस में वीडियो मिलती रहेगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।